ये तो यूनिवर्सल स्टूडियो है, अभी यूनिवर्सल स्टूडियो का ये पूरा लोगो है और यहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक अभी आए होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका ट्रेवल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। सो दोस्तों, सिंगापुर के एक और नए दिन के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी समय बज रहे हैं 2:10 और मैं अभी निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से आपको सिंगापुर के कुछ और पर्यटक स्थल घुमाने ले जाने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा संतोसा आइलैंड। तो संतोसा आइलैंड जाने के लिए मेरे इधर की ओर देख रहे हैं, इधर की ओर वो देखिए, वो कलांग मेट्रो स्टेशन है। कलांग मेट्रो स्टेशन से अभी यहाँ से हम मेट्रो लेंगे और मेट्रो लेके जाएंगे, हम आपको लेके चलेंगे संतोसा आइलैंड के लिए। कैसे कैसे जाना है मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए, फिलहाल ये देख लीजिए। जैसा कि मैं पहले लिटिल इंडिया पे रुका हुआ था, 2-4 रुका, वहाँ मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ स्पेस पोर्ट @SGV है, spaceport.com भी है सिंगापुर में, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। ये मुझे हॉस्टल पड़ा था, कितना में पड़ा था यार, करीब 4200 में मुझे 3 के लिए, 3 के लिए पड़ा था, 4200 में 3 के लिए पड़ा था मुझे। तो ये हॉस्टल आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, अंदर से तो दिखाई दिया था आपको। यहाँ पे spaceport.com है, ये spaceport@SG है। हम आपको बता दें, आप कहीं भी बुक करेंगे, आप चाहे वहाँ बुक करें चाहे यहाँ बुक करें, आपको इसी में स्टे कराएंगे, ठीक है, तो आप ये जान लीजिए। चलिए फटाफट करते हैं रोड क्रॉस और चलते हैं मेट्रो और आपको ले कर चलते हैं सीधे संतोसा आइलैंड की तरफ। से एग्जिट ए पे, ये जो स्टेशन है इस स्टेशन को बोलते हैं टोंग बहरू स्टेशन। एग्जिट ए से मुझे बस लेनी है, गूगल मैप के अनुसार मुझे बता रहा है ये। वाह, यहाँ खाने पीने को कुछ मिल रहा है, तो कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए क्या, देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या मिलता है वेजिटेरियन में। यह वेगन फूड, वेजिटेरियन, या वेजिटेरियन फ्राइड राइस, या ओके, नो एग, नो चिकन, नो ओके, नो एग, नो मटन, नो चिकन, नो बीफ, एनीथिंग, नो, ओनली वेजिटेबल, ओके, वेजिटेबल फ्राइड राइस, ओके, इंडिया, या ओके, चिली, सम चिली, ओके, चिली, नो स्पाइसी, ओके, तो भैया हमने फ्राइड राइस उनको बोल दिया है। यहाँ से ड्रिंक में क्या लें, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई फ्रेश जूसेस है। $6 का दिया गया उन्होंने, 2, 4, 6, 2, 8 नहीं यार, $4 का दिया, $4 का फ्राइड राइस, $10 के नोट हैं, ये $10 का नोट है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये $4 का, 1, 2, 3, 4। देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या डाला है, ये वेजिटेबल्स ही हैं और मशरूम है। $4 में उन्होंने फ्राइड राइस दिया, भरपेट मज़ा आ गया। ड्रिंक मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि जूस वगैरह नहीं था, हालांकि मेरी माने तो खाने के बाद आपको जूस, खाने के टाइम पे या खाने के बाद आपको जूस पीना चाहिए, लेकिन फ्रेश जूस यहाँ पे नहीं था तो मैंने नहीं पिया। अब आगे कोई फ्रेश जूस मिलेगा तो पीऊँगा, नहीं तो अब चलो बस लेके चलते हैं, थोड़ी देर बाद ही पीएंगे, तब तक डाइजेस्ट हो जाएगा। सत्ताईस नंबर बस, अरे
फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं संतोषा आइलैंड। भैया यहाँ पे ये रिजॉर्ट वर्ल्ड संतोषा, ठीक है सीधा मिला बेदा जब जाएगा। $3 का है यहाँ पे गुरु, तक कम दिया है राज, ठंडा दिया कोई बात नहीं। दुकान है देखिए एकदम, पूरा सेंटर दिख रहा है इनका। ऊपर चलते हैं यहाँ से देखते हैं क्या है। यहाँ पे कार्यक्रम होता है क्या है कुछ अच्छा देखते हैं। तो ऊपर निकली हुई यहाँ पे है तो यूनिवर्सल स्टूडियो है ये। वाह वाह ये मस्त जगह है गुरु सेंटोसा। ये इधर की ओर मेरे सामने जो देख रहे हैं पूरा, ये पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो है। ये देखिए ये है यूनिवर्सल स्टूडियो का लोगो। मेरे इधर की ओर यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं रखने। लेकिन अभी हम टिकट लेके जा नहीं सकते क्योंकि अभी कोरोना की वजह से यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट काउंटर खोल बंद है। और सेंटोसा सेंटोसा मैं कह रहा हूँ संतोषा है संतोषा, ठीक है। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं संतोषा एक्सप्रेस का टूर कराने। यहाँ से अब हम जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वे टू संतोषा एक्सप्रेस। ऊपर की तरफ जाना है हमें। यहाँ से जाए सैंडी बीचेस डॉटेड बाय। ये देखिए इस प्रकार से ट्रेन से हम लोग आए हैं, छोटी सी बस की तरह ट्रेन है। ये आ गए हम संतोषा बीच पे संतोषा एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। मेरा थोबड़ा क्या देखेंगे आप, मेरे थोबड़े में कुछ नहीं रखा हुआ। इससे अच्छा आप बीच का नज़ारा देखिए। घंटे का तो ऐसे बैठे हैं थोड़ा छेदा दिख, क्या दूधू दिखे इनके यहाँ मज़ा आ गया। यहाँ पे इधर की ओर साइकिल है, अगर आप साइकिल लेके घूमना चाहें तो साइकिल लेके भी घूम सकते हैं। फिलहाल हम नहीं लेने जा रहे हैं, हम तो चड्डी और चिचिस की देख रहे हैं अभी फिलहाल। सामने उधर की ओर बीच दिख रही है, चल रहे हैं। जूता पहन के तो बीच पे जाना सही नहीं रहेगा, लेकिन ये तो करना है। वो मेरी जान कह तरस आ रही हो गुरु, आगे पीछे बस बस सवाल हो। लेकिन व्यू अभी बहुत अच्छा है, सामने सूरज का सनसेट हो रहा है और यहाँ से भी गोप्रो अच्छा व्यू कमाल दिखा रहा है, क्यों गुरु। आप यहाँ आए इस बीच पे तो चप्पल पहन के आए, जूते पहन के ना आए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है।